दुरूद शरीफ की अहमियत और बरक़ात अल्लाह ताला तुरान करीम में फ़रमाता है इला अबल्लाय का तहु युसल्लूनआनबी या युलाजीना सल्लुआल है वसलम इसका इसकायत करीमा का तर्ज है यकीन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उस पर दरुद और खूब खूब सलाम भेजो इस इसायतम में खुदा तै ने मोमिनीन को ये बात समझाई है कि अल्लाह ताला और उसके फितिश्ते आज़रत सल्ला वसलम पर दुरूद भेजते हैं अमिनों मैं और मेरे फतिश्ते तो मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम पर दुरूद भेजते हैं और हबीब किबाया की हमद के तरान गाते हैं बस तुम भी मेरे हबीब पर दरुद व सलामती भेजो मेरे हबीब की अजमत शान को बुलंद करो मेरे हबीब की मुहामद बयान करो और महसन इंसानियत के एहसानात की शुक्र गुज़ारी के लिए उस पर दरूद और सलामती भेजो बस दिन को भी रात को भी हर दुआ में हर नमाज में रहमत दुआलम पर दरुद और सलामती भेजते रहो कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी उस पर दरूद भेजते हैं हज़रत तकदस मसीम फ़रमाते हैं इस आयत से ज़ाहिर होता है कि रसूल कदीम सल के अमाल ऐसे थे कि अल्लाह ने उनकी तारीफ़ या उसाफ़ की तहदीद करने के लिए कोई लफ्स ख़ास ना फरमाया लफ्स तो मिल सकते थे लेकिन ख़ुद इस्तेमाल न किए यानी आपके अमाल साल की, की तारीफ़ तहदीद बहरूम से बहरूम थी इस किस्म की आयत किसी और नबी की शान में इस्तेमाल ना की आपकी रूह में वो सिद को सफ़ा था और आपके अमाल खुदा की निगाह में इस कदर पसंदीदा थे कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए ये हुक्म दिया कि आइंदा लोग शुक्रगुज़ारी के तौर पर दुरूद भेजें फिर तकदस मसीम आजरत सान अज़मत बयान करते हुए फरमाते हैं वो जो अरब के बेअबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए और पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए और आँखों के अंधे भी ना हुए और गुँगों की ज़ुबान पर इलाही मारफ जारी हुए और दुनिया में एक दफ़ा एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि ना पहले इससे किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना कुछ जानते हो कि वो क्या था वो एक फिल्ला की अंधेरी दातों की दुआएं ही थीं जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो अजायब बातें दिखलाईं कि जो इस जो इस उम्मी बेकस से महालत की तरह नज़र आती थीं। फिर फरमाते हैं ये ज़माना कैसा मुबारक ज़माना है कि खुदा ताला ने इन पुराशोब दिनों में महज अपने फ़जल से आ हज़रतल्हु वसलम की अज़मत के इजहार के लिए ये मुबारक इधा फरमाया कि ग़ैब से इस्लाम की नुसरत का इंतज़ाम फरमाया और एक सिलसिले को कायम किया उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपने दिल में इस्लाम के लिए एक दर्द रखते हैं और उसकी इज्ज़त और वक्त उनके दिलों में है वो बताएं कि क्या कोई ज़माना इससे बढ़कर इस्लाम पर गुजरा है जिसमें इस कदर सब्बितम तोह आजू सल्ला वम की, की गई हो और कुरान शरीफ़ की हद तक हुई हो फिर मुझे मुसलमानों की हालत पर सख्त अफसोस और दिली रंज होता है और बाज वक्त मैं इस दर्द से बेकरार हो जाता हूँ कि उनमें इतनी हिस्स भी बाकी ना रही कि इस बेइज्जती को महसूस कर लें क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भी इज्जत अल्लाह को मंजूर न थी जो इस कदर शतम पर भी वो कोई आसमानी सिलसिला कायम ना करता और इन मुखालफी इस्लाम के मुंह बंद करके आपकी अजमत और पाकिजगी को दुनिया में फैलाता जबकि खुद अल्लाह और उसके मलायका आजूज सल्हस पर दरूद भेजते हैं तो इस तोह के वक्त इस सलावाबाद का इजहार किस कदर ज़रूरी है और इसका जहूर अल्लाह तिलसिले की सूरत में किया है यानी जमात अहमदिया की सूरत में फिर फरमाते हैं बस हमारा ये और भी ज़्यादा फ़र्ज बन जाता है कि पहले से बढ़ कर वसल्लम पर दुरूद भेजें मुझे भेजा गया है ताकि मैं आज हजरत अलैहि वसल्लम की खोई हुई अज़मत को फिर कायम करूँ और कुरान शरीफ़ की सच्चाइयों को दुनिया में दिखाऊँ समैन अल्लाह ताला ने अपने अल्लाह ताला ने अपने आप को जब्बुल कहा तो हज़ू सल्ला वसल्लम को रामतमीन कहा और आपकी रहमत ही थी कि वो इंसान जो जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था उस इंसान को फर्ज से अज तक पहुँचा दिया और वो इंसान जो हैवान की ज़िंदगी बसर कर रहा था उसे उसवान से इंसान इंसान से बाकमाल इंसान और बा से बाखुदा इंसान बना दिया चुनाचे इसी सिलसिले में अल... चुनाच इसी सिलसिले में अल्लाह ताली ने हजरत सलाम को फ़रमाया सल अला मोहम्मद आल मुहम्मद। फिर हजरत सलाम फ़रमाते हैं पसए लोगो इस रसूल पर दुरूद और सलाम भेजो जिसके कदम पर तमाम लोगों को जमा किया गया और वो अपने खुदा बंद मनान की तरफ खींचे चले आए जिसने बहुत सी मखलूक को मोहल्क और पुद जंगलों से निकाल कर अमनो अमान के सब्जा जारों और बाग़ों में पहुँचाया और दशरत लोगों को दिलेरी और बहादुरी बख्शी और थक कर चूर हो चुकी हुई मांदा हिम्मतों को कवि किया और मफकूद हो चुके हुए अनु को मौजूद कर दिया और हकाक को मारव के नहायत दशां और खूबसूरत मोती और याकूत और मत लाया और रसूल कायम किए और अकूल को आदाब से मुजन किया और लोगों को कुफ्र और गुमराही और सचकशी की जंजीदों से निकाला और मोमिनों को और मुस्लिमों को जो आपकी खैर व बजक़ात के तालिब थे यकीन और जमीयत और इतमान का प्याला पिलाया और उन्हें शर और फसाद और खसारे की राहों से बचाया और खैर उसादत उन्हें कोकारी की तमाम राहों की तरफ रहनमाई की फिर फरमाते हैं हमारे नबी की इंसानियत इस कदर ज़बरदस्त है कि कुदुस को भी इंसानियत की तरफ खींच लाई बस तुम ऐसे बदगजीदा नबी के ताबे होकर क्यों हिम्मत हारते हो तुम अपने वो नमूने दिखलाओ जो फरिश्ते भी आसमान पर तुम्हारे सिद्ध को सफ़ा से हैरान हो जाएं और तुम पर दुरूद भेजें हज़रत अबू हुरैरा अब अन्हु से रिवायत है हजरत रसुलदीन सल्ला वसम ने फ़तमाया मसल वाहिद तन कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा उस पर अल्लाह दस बार दरूद भेजेगा यानी अल्ला ताला उसकी कोताँ माफ़ कर देगा और उनके शर्त से उसे महफूज रखेगा उसे अजमत और रिफत बख्शेगा उसे खैर बचकर नसीब करेगा उसके अच्छे मकासद को पूरा करेगा उसके मुस्तबिल को समाज देगा उसे अपनी रहमत के मौज के उसे अपनी रहमत का मौजद बनाएगा और उसे पसंदीदा बातों से पाक करके और पसंदीदा अमूज से आ जास्ता करके ख़ुद उसकी मदा सना करेगा और अपने मलाइका और अपने पाक बंदों की ज़ुबान से उसकी स्तारश करेगा इसका दोबारा पढ़ेंदीस हजरत अबू तहरा से रिवायत है कि हजरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गौर से सुना कि कितनी बरकतों के पास है दरूद सारे मन सल्ला अलैहा वाहिदातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा उस पर अल्लाह ताला दस बार दरूद भेजेगा फिर हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक रात आज ने इस कसरत से दरूद पढ़ा कि दिलो जान इससे मअतर हो गया उसी रात ख़्वाब में देखा कि फ़रिश्तेब जुलाल की शक्ल पर नूर की मशक़ें आज के मकान में लिए आते हैं और एक ने उनमें से कहा कि ये वही बरक़ात हैं जो तूने मोहम्मद सल्ला वसम की तरफ़ भेजी थी सामीन हकीकत यह है कि दरुद शरीफ की बरकात सही तौर तो पर उसी वक्त जहूर में आती हैं जब दरूद भेजने वाला को सफ़ा के साथ हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे भी हो और उसकी तबाह नबी महज नुमाइशी ना हो बल्कि सच्ची और दिली हो चुनान चहरत मसी मौदात वसलाम इसी सिलसिले में फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो मैं तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त के दिन याद दिलाता हूँ और दिलों के तकबा की तरफ मुतव करता हूँ याद रखो कि जो शख्स मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर पेश हो उसके लिए दोजख है वो उसमें ना मरेगा और ना जी जिएगा इसलिए तुम दुनिया की जीनत और उसकी झूठी आबोताब की तरफ मत झुको और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और उसके लिए सब्र और सलवा यानि दरूद के ज़रिए से अल्लाह तदद मांगो अल्लाह त उसके तमाम फरिश्ते उसके नबी पर दरूद भेजते हैं पशे मोमिनो तुम भी उस पर नहाय तुमदगी के साथ दरूद सलाम भेजा करो एल्ला मोहम्मद सल्ला वम पर और आल मोहम्मद सल्ला वम पर दरूद और बरक़ात सलाम भेज फिर फरमाते हैं ए लोगो उस महसिन नबी पर दरूद भेजो जो खुदा बंद रहमान मनान की सफ़ात का मजहर है क्योंकि एहसान का बदला एहसान है और जिस दिल में आपके एहसानात का एहसास नहीं उसमें या तो ईमान है ही नहीं और या फिर वो अपने ईमान को तबाह करने के दर्द पे है अल्लाह उस उम्मीद रसूल और नबी पर दुरूद भेज जिसने आखरीन को भी पानी से सैर किया जिस तरह उसने अवलिन को सैर किया और उन्हें अपने रंग में रंगीन किया था और उन्हें पाक लोगों में दाखिल किया था फिर हजूर इसी सिलसिले में आगे फरमाते हैं क़ और अखलास से हज़रत नबी करीम सल के लिए बरक़ बरकत चाहें और बहुत ही तजरों से चाहें और इस तजर दुआ में कुछ बनावट ना हो बल्कि चाहिए कि हज़रत नबी करीम से सच्ची दोस्ती और मोहब्बत हो और फिलहिकत रूह की सच्चाई से वह बरकतें आ हज़रत सल्ला वसम के लिए माँगी जाएँ कि जो दरुद शरीफ़ में मजकूत हैं और ज़ाती मोहब्बत की ये निशानी है कि इंसान कभी ना थके और ना मलूल हो और ना गराज नफसानी का दखल हो और महज इसी गज़ के लिए पढ़े कि आ हज़रतल वम पर ख़ुदा बंद करीम के बरकात ज़ाहिर हों सम बस दुआएं करते वक्त इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह दुआ कभी भी शरफ़ कबूलीत नहीं पाती जो बग़ैर दरुद शरीफ के हो हजरत फुजाला बिन उबैद से रवायत है कहते हैं मैं हजरत अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी दुआ करते हुए उसने कहा अल्लाह मक़िर वमनी आजूज सल्ला व्म ने उसे कि ऐ नमाज़ पढ़ने वाले तूने ने जल्दी की चाहिए था कि जब तू नमाज़ पढ़े तो अल्लाह की हम्दों सना करे फिर मुझ पर दुरूद भेजे फिर जो भी दुआ तू चाहता है मांगे फिर कहते हैं कि एक और शख्स आया उसने अल्लाह ताला की हम की और सल्लल्लाहु अलैहि वसलम पर दुरूद भेजा इस पर हजूर अलैहि वम ने फ़रमाया कि नमाज पढ़ने वाले दुआ कर कबूल की जाएगी सामीन बस दरूद शरीफ जहाँ सल्ला व्लम से मोहब्बत में इजाफ़ा करता है वहाँ कबूलीत दुआ के लिए भी ज़रूरी है और अपनी बख्शिश के लिए भी ज़रूरी है और अल्लाह का फ़ैज़ और फ़जल बग़ैर दरूद शरीफ के इंसान पा ही नहीं सकता इस सिलसिले में जिला तक दस मसीह फरमाते हैं मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताल के फ्यूज़ अजीब नूरी शक्ल में हज़रत अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जज्ब हो जाते हैं और वहाँ से निकल कर उनकी लातहा नालियाँ हो जाती हैं और बकदर हिस्सा रसदी हर हकदार को पहुँचती हैं यकीनन कोई फ़ैज़ बेदू वसात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरों तक पहुँच ही नहीं सकता तो फिर फिर हैं दुरूद शरीफ़ क्या है रसूल सल्ला के इस अजश को हरकत देना है जिससे ये नूर की नालियाँ निकलती हैं जो अल्लाह ताली का फ़ैज़ और फ़जल हासिल करना चाहता है उसको लाजिम है कि वो कसरत से दरुद शरीफ पढ़ा करे हज़रत हज़रतलिफतलमसीस अद्लु तिनज़ीज़ दरुद शरीफ की अहमियत व बरक़ात के मतलक़ फ़रमाते हैं बस दरुद शरीफ़ को कसरत से पढ़ना आज हर अहमदी के लिए ज़रूरी है ताकि हज़रतकदस इस्लाम की बासत के मकसद को भी हम पूरा करने वाले हों खुदा ताला की आवाज़ पर हम लबिक कहने वाले हों अलैहि वसल्लम से इश्को मोहब्बत के दावे पर पूरा उतरने वाले हों सिर्फ़ नारों और जलूसों से ये मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा जो गैर जमात मुसलमान करते रहते हैं इस मोहब्बत का हक अदा करने के लिए आज हर अहमदी करोड़ों करोड़ दरूद सलाम अपने दिल के दर्द के साथ मिलाकर कर अज पर पहुँचाए फिर जिला तक दस सलाम फरमाते हैं ऐ तमाम वो लोगों जो ज़मीन पर रहते हो और ऐ तमाम वो इंसानी रूह हो जो मशरक़ और मग़रब में आबाद हो मैं पूरे जोर के साथ आपको इस तरफ दावत करता हूँ कि अब ज़मीन पर सच्चा मज़हब सिर्फ़ इस्लाम है और सच्चा खुदा भी वही खुदा है जो कुरान ने बयान किया और हमेशा की रूहानी ज़िंदगी वाला नबी और जलाल और तकद्दस के तख़्त पर बैठने वाला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिसकी रूहानी ज़िंदगी और पाक जलाल का हमें यह सबूत मिला है कि उसकी पैरवी और मोहब्बत से हम रूहुल कुदुस और ख़ुदा के मुकाल में और आसमानी निशानों के इनाम पाते हैं फिर फरमाते हैं वो इंसान जिसने अपनी ज़ात से अपनी सिफात से अपने फ़ाल से अपने अमाल और अपने रूहानी और पाक कवा के पुज़जोर दरिया से कमाल ताम का नमूना इलान अमलन व सिद्कान व सबातन दिखलाया और इंसान कामिल कहलाया वो इंसान जो सबसे ज़्यादा कामिल और कामिल था और कामिल नबी था और कामिल बचकतों के साथ आया जिससे रूहानी बासत की वजह से दुनिया की पहली कियामत ज़ाहिर हुई उधे कलम कालम मरा हुआ उसके आने से जिंदा हो गया वो मुबारक नबी आ हज़रत सल्लल्लाहु वो मुबारक नबी हज़रत ख़ातबिया इमाम ख़तमुसिन फ़ख्रबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम हैं ऐ हमारे खुदा उस प्यारे नबी पर वो रहमत और उदरूद भेज जो इब्तदाए दुनिया से तूने किसी पर ना भेजा हो ला सल मोमदिन वा आल मोमदिन तमा सही तलाब्राहिम वाला इब्राहिम इन्ना का हमीद मजीद ला मबारकाम मोम्मदिन वाल आलम उमदिन وبارك وسلم إنك حميد مجيد